वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में ग्रामर का एक टॉपिक लिया था जो हमारा फिनिश हुआ एक्टिव पैसिव। एट्थ में तो मैंने एक दो टॉपिक और करवा दिए थे, नोटिस एंड एप्लीकेशन राइटिंग। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। एक तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी डिफरेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहले मेन मीन्स बता देती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। जैसे हम किसी पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो टॉक आती है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते हैं, वो होता है डायरेक्ट, जैसा मेरा आपसे बात करना अभी। अब इसी चीज़ को हम किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल टॉक में देख लेते हैं कि कल उसने मुझे ऐसा कहा था, ठीक है, आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज वो मुझे ऐसा बोल रहा है, कल उसने मुझे ऐसा कहा था। तो डायरेक्ट जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, जहाँ पर टू पर्सन्स की प्रेजेंस होती है, वो डायरेक्ट हुआ। और जहाँ पर बात तो है लेकिन वो जो पर्टिकुलर जिसने वो बात कही, जिसने वो स्टेटमेंट दिया, वो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, वो होता है इनडायरेक्ट, राइट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें ये होती है कि जब डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा जाता है, राइट, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता भी देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर होता जाए। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन गो देयर, राइट। ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से वापस अपना कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को जो मैं लिख रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ ओरली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस देखा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन गो देयर। अब ये हुआ डायरेक्ट का सेंटेंस, ये है डायरेक्ट का सेंटेंस। इसको हम कैसे पहचानते, इसमें हमने कॉमा भी देखा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट भी देखा, राइट। अब आता है इनडायरेक्ट का सेंटेंस। देखिए, डायरेक्ट के लिए मैं डी यूज़ कर रही हूँ और इनडायरेक्ट के लिए मैं आई डी यूज़ कर रही हूँ, राइट। आप मेंशन कर ले कि डायरेक्ट मतलब डी मीन्स डायरेक्ट एंड आई डी मीन्स इनडायरेक्ट। यस, ही सेड दैट ही कुड गो देयर, अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस क्या हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, राइट, तो ये डायरेक्ट का हुआ। अब जब हमने इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया तो हमने यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा दोनों हटा दिए और उसकी जगह क्या यूज़ किया, हमने दैट कंजक्शन यूज़ किया जो दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम कर रहा है, और इनवर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा दिया हमने। देन लास्ट में हमने एज इट इज़ यहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ भी फुल स्टॉप हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो टू पार्ट्स आते हैं डायरेक्ट के, डायरेक्ट सेंटेंस में आपने टू पार्ट्स देखे, पहला आ रहा है ही सेड एंड देन फिर कॉमा, और इनडेड कॉमा के अंदर आ रहा है आई कैन गो देयर। तो इन टू पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। इस मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माय लेसन। राइट, अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, जो इनवर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट होता है,
क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आप अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करते जाएंगे तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉपरली समझ में आएगा। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है राइट, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसका इनडायरेक्ट का सेंटेंस भी एक देख लेते हैं, इनडायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर ही देते हैं। ये बेसिक रूल्स बता रही हूँ मैं, इसके बहुत सारे रूल्स है अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था, ठीक है। और अब हम आगे देख लेते हैं। यस, मोहन सेड दैट, यस, ये हमारा बना, सॉरी, ये हमारा बना इनडायरेक्ट का सेंटेंस, राइट। अब हम देखते हैं एक और बेसिक रूल्स। अब एक सेंटेंस में आपके सामने ऐसा दे रही हूं, जैसे मोहन says to his mother, comma, inverted comma, the sweets are very good, right? अब देखो फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो मोहन सेड वगैरह था, राइट। अब यहाँ पे देखो सेज टू आ रहा है, तो इसकी इस टाइप के जो सेंटेंसेस चेंज होंगे ना वो कैसे होंगे, जैसे सेज टू आया तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, सेज टू को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो टेल्स हो जाएगा, राइट। अगर यहां पर से टू है, यहां पर अगर से टू है तो वो हो जाएगा टेल, और अगर है सेड टू, सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड। अब उसके लिए पीछे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, अगर खाली दे रखा है कि मोहन सेड तो कोई दिक्कत ही नहीं, मोहन सेड तो नेक्स्ट जब इनडायरेक्ट बनेगा तब भी मोहन सेड ही रहेगा, राइट। और अगर दे रखा है मोहन सेड टू हिज मदर, तो सेड टू है तो सेज टू टेल्स में बदलेगा, सेड टू टेल में बदलेगा, और सेड टू टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। ये रूल नंबर टू था। देखिए रूल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, और एक लास्ट कॉमन रूल जो मैं है बता देती हूँ आपको, कि इन कंडीशन ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा बोला था मैंने, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, जो स्टार्टिंग का होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर,
If reporting verb is in present or future, तो reported speech मतलब क्या होगा? Inverted comma के अंदर वाला, तो reported speech में कोई change नहीं होगा. If reporting verb is in present or future, आप लिखते जाएं साथ में जो मैं बोलती हूँ. There is no change. There is no change in reported speech. Reported speech. Example के थ्रू समझा देती हूँ मैं. He says. They have read the book. Right? अब मैंने जो पहले बताया था वो रूल और इस रूल में डिफरेंस है. यहां पर ओनली सेज है. अगर सेज टू होता तो टेल्स में चेंज होता, लेकिन यहां पर सेज ही है तो हम एज इट इज रखेंगे. और क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि से वर्ब है उसके पीछे एस आ गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा. तो हम लिख देंगे ही सेज दैट नो चेंज, दे हैव रीड द बुक. देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको काफ़ी पेशेंसफुल के साथ पेशेंस रख के समझने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक हम मैं इस वीडियो में ड्रॉप कर रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से डिफाइनली पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने नेक्स्ट वीडियो में कारक के बारे में अध्ययन किया था. सब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, क्रिया, क्रिया से कारक, कारक से समास, इन सबका एक ने एक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि क्रिया पढ़े तो क्रिया के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे था, कारक के बिना क्रिया संपादित नहीं होती, क्योंकि संबंध भी जरूरी था, तो विभिन्न प्रकार के हमने देखे थे. अब उससे हट करके नया टॉपिक हमारा है जो समास. समास क्या है, समास का प्रयोग कहाँ होता है और समास का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है. अपन बात करें तो समास जो शब्द है दो शब्दों से, समास दो शब्दों से बना हुआ है, सम धन आस. इन दो शब्दों से समास शब्द बना है और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना. शब्द को जो विभक्ति चिन्हों से, जैसे रसोईघर है ना, रसोईघर जो शब्द है उसके लिए संक्षिप्त में इसको बड़े विग्रह करना है, तो विग्रह रूप में करेंगे तो रसोई के लिए घर. अब रसोई के लिए घर है, इसको हमें विभक्ति चिन्हों सहित लिखा है, लेकिन समास क्या होता है, शब्द को छोटा रूप प्रदान करता है, विभक्ति चिन्हों को हटा करके सामासिक पद बनाता है. तो रसोई जो शब्द है और घर दो शब्द हैं, तो जो के लिए विभक्ति चिन्ह है उसको हटा देते हैं तो बचता है रसोई घर. इस प्रकार समास में क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनको परस्पर निकट बैठाया जाता है और निकट बैठाने के बाद उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है. अब रसोई घर के बाद दूसरा देखें अपन, विद्यालय. विद्यालय की बात करें, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसमें भी देख लीजिए
अब समास में दो पार्ट होते हैं। समास में एक तो समस्त पद किसे कहते हैं, रसोई घर जो लिखा है समस्त पद है। समास विग्रह क्या है, रसोई के लिए घर जो विग्रह किया वो विग्रह हो गया। और इसके साथ ही दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है एक उत्तर पद होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समास में दोनों पद अति आवश्यक है ना, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। अब पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद होगा जो बाद वाला पद होगा। अब उत्तर पद और पूर्व पद से मिलकर के सामासिक पद बनता है, तो कहीं पर पहला पद प्रदान होगा तो कहीं पर हमारा दूसरा पद प्रदान होगा। ठीक है, तो अपन मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। देखें समास क्या है, समास की बात करें तो समास का अर्थ होता है, समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। अब समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है जहां पर समास होता है, और जहां वर्णों का मेल हो गया वहां पर क्या होगा, संधि होगी। संधि में वर्णों का मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में विग्रह होता है और दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर वर्णों का मेल नहीं, शब्दों का मेल होता है। अब समस्त पद, समास में समस्त पद किसे कहते हैं, विभक्तियों का लोप कर लिखा गया पद। जो विभक्ति चिन्ह जैसे हमने अभी लिखा था रसोई के लिए घर, अब रसोई के लिए घर में रसोई और घर दोनों को निकट बैठा दिया तो समस्त पद बन गया रसोई घर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रसोई घर हो गया, ये हो गया समस्त पद। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, जो समस्त पद था रसोई घर या विद्यालय या पाठशाला, जो भी उदाहरण ले लिया जाए, अब जो उसका है उस समस्त पद को विभक्ति सहित लिखना है हमें। जैसे विद्या के लिए आलय, पाठ के लिए शाला है ना, पुस्तक के लिए आलय पुस्तकालय, विभिन्न प्रकार के जो भी उदाहरण है उनको विभक्ति चिन्हों सहित लिखना है, वहां पर होगा समास विग्रह होगा। अब समास के प्रमुख भेदों की बात करें तो हिंदी में प्रमुख छह प्रकार के या छह भेद समास के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास, है ना। तो इनको प्रमुखता एक एक करके अपन बात करेंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास क्या होता है, इस समास का पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय उसे कहा जाता है, अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे शब्दों पर अपन लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ता है उसके लिए तेज की जगह हम धीमा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसकी स्थिति को बदल देगा, गति को बदल देगा। इसीलिए यहां पर हमें क्या प्रयोग हुआ, अव्ययीभाव में क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय के कारण अविकारी शब्द होता है, उस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी शब्द। और विकारी की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द थे। ठीक है, तो अव्यय शब्द या अव्ययीभाव समास होता है, इस समास का पहला पद अव्यय उस पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो समस्त पद और उसका विग्रह यथासंभव जैसा संभव हो, है ना, आजन्म जन्म से लेकर प्रत्येक हर एक, यथासमय समय के अनुसार, आमरण मरण तक, यथा स्थिति स्थिति के अनुसार। इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इसमें वास्तव में यथा समय, यथा जो शब्द है अव्यय है, आजन्म जन्म से लेकर है ना, प्रत्येक हर एक, यथा समय, यथा आमरण मरण तक, ये जो कुछ शब्द हैं उदाहरण हैं जिनके माध्यम से अव्ययीभाव समास इनमें है। नेक्स्ट देखें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की बात करें तो इस समास में पहला पद गौण होता है, अर्थात मुख्य नहीं होता, दूसरे पद
पद ही प्रदान होता है, दूसरे पद को महत्व दिया जाता है। इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति, क्योंकि देखो अव्यय भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। यहाँ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर के बाकी जितने भी कारक हैं छह प्रकार के, उनके कारकों का लोप इस समास में होता है। पहला है, इसके आधार पर इसके छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय, शरणागत, शरण को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष में क्या होगा, से चिन्ह का लोप होगा, हस्त से लिखित, हाथ से या हस्त से लिखित, बाणाहत, बाण से आहत, इस प्रकार। तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान में क्या होता है, के लिए चिन्ह का लोप होता है, संप्रदान के लिए, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, बाल अमृत, बालकों के लिए अमृत, इस प्रकार यह संप्रदान तत्पुरुष हुआ। फिर अपदान तत्पुरुष समास, इसमें से पृथक, उसमें से करण से साधन के रूप में था, तो यहाँ अपदान से पृथक होने के लिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, विभिन्न प्रकार के उदाहरण अपन बना सकते हैं। तो संबंध तत्पुरुष में का के की चिन्हों का लोप होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजमाता, राजा की माता। फिर अधिग्रहण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप होता है, जलमग्न, जल में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार कुछ उदाहरण है दिए हैं, और जिस प्रकार इनके तत्पुरुष समास के कुल कितने पार्ट हैं, छह पार्ट हैं। कौन कौन से, दो, एक तो संबंध कारक दो को छोड़कर, कर्ता और संबोधन दो। कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में कहीं पूछ लिया जाता है कि कौन से कारक का प्रयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा छह प्रकार के कुल कारक हैं जिनका प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। दो आपके समास की परिभाषा और इसके दो पार्ट तक क्लियर कर ले। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नया पार्ट बनाएंगे, जिसमें आगे जितने बचे हुए जो पार्ट हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर एग्जाम्पल्स ही हम सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 13 तक हो गया था, 14 में मैं एक बता देती हूँ, बाकी का आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, इफ एक्स इज इक्वल टू 2+√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड सेकेंड इज x² माइनस 1/x². क्लियर। अब दोनों में से एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये वाला आपका होमवर्क है, फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, x जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देना है, 2+√3 x का स्क्वायर, 2+√3 इसका सॉल्यूशन मैं आगे कर रही हूँ, x का स्क्वायर प्लस अगेन x का स्क्वायर, 2+√3 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a+b के होल स्क्वायर से ये ओपन करेगा। वन मोर थिंग, इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, जैसे वैसे तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे x इज इक्वल टू 2+√3 का वैल्यू गिवन है आपके पास, ओके। अब हम क्या करेंगे, या तो एक तरीका तो ये x की जगह इनकी वैल्यूज पुट करो, a+b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करो, इसको भी ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, देन सॉल्व इट, ये सारा प्रोसीजर हमारा चलेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या, मैं दोनों ही मेथड से आपको बता दूंगी ताकि जो आपको इजी लगे हम वही करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था x² + 1/x² लाने का, तो फर्स्टली जो काम यहाँ पर करेंगे,
ठीक है। अब हमको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, x इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री। हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर आवे। ये कैसे आएगा? तो हम जब देखते हैं कि अगर कहीं पर x प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर होगा तो वहाँ पर ये टर्म आ सकती है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन b का स्क्वायर यानी वन अपन एक्स का स्क्वायर, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन एक्स वन अपन एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ किस में मिलती है हमको? a प्लस b के होल स्क्वायर में। किसका a प्लस b? x प्लस वन अपन एक्स के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, x प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। x का वैल्यू तो है ही है, यहाँ से वन अपन एक्स फाइंड करेंगे। वन अपन एक्स इज इक्वल टू वन अपन टू प्लस रूट थ्री। क्लियर? अब इसके बाद जो है इस वन अपन एक्स को अच्छे से सॉल्व कर लो। इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम? सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन जो है वो डिफरेंट रखते हैं। टू माइनस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, बन जाएगा टू माइनस रूट थ्री अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉल्व इट, क्या बनेगा ये? टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर इज फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। तो क्या आया ये? फोर माइनस थ्री इज वन। तो आंसर क्या आया आपके पास? टू माइनस रूट थ्री, ये हो गया वन अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू भी है हमारे पास और वन अपॉन एक्स का वैल्यू भी है। फर्स्ट जो चीज़ हमको चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस वाला चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाने की। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आता है और वन अपॉन एक्स भी आता है। तो फर्स्टली यहाँ पे लाएंगे हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यूज पुट करो। एक्स की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री, वन अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्या है? टू माइनस अंडर रूट थ्री। आया समझ में? का होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू भी है, वन अपन एक्स का वैल्यू भी है, ठीक है। ये इक्वेशन आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सिंस एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, इसको सॉल्व करो क्या बनेगा? टू प्लस टू फोर, प्लस का रूट थ्री माइनस का रूट थ्री हट गया, जीरो हो गया, इक्वल टू फोर बचा। इधर वाले को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट ए प्लस बी का जो भी आइडेंटिटी यूज़ करे उसको मेंशन करोगे, तो इससे पहले मेंशन करोगे आप कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए की जगह कौन? एक्स। बी की जगह कौन? वन अपॉन एक्स। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी। बी क्या है आपका? वन अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दिस, इसके बाद का सॉल्यूशन देखो। x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला तो आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। इसके बाद x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट से, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, वहाँ पर कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच में, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। 2 मल्टीप्लाई विद एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा? टू
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर। आपको क्या वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के, तो ये दोनों टर्म को तो यहीं रखा, बाकी जो एक्स्ट्रा में है कौन एक्स्ट्रा में प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस का टू बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू, जो कि आपको फाइंड करना था। आया समझ में? तो जो भी क्वेश्चन था वहाँ से x का वैल्यू तो था ही, 1 अपॉन x रेसिप्रोकल करके उसको ले आया, उसका वैल्यू ले आया, जहाँ जो नीड है रैशनलाइजेशन करना है एक पर्टिकुलर आंसर ले आया उसका। अब उसको किस में अप्लाई करना है, हमको ये चीज़ चाहिए थी, तो ये चीज़ आती है हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी मिसिंग है, तो वो कहाँ से आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हमने x प्लस वन अपॉन x का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू पता थी वो तो रख ली, टू प्लस रूट थ्री एक्स की वैल्यू, बीच में प्लस तो प्लस, वन अपॉन x का वैल्यू यहाँ पुट किया, सॉल्व किया स्क्वायर की जगह स्क्वायर, देन सॉल्व करने के बाद वन मोर थिंग, यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक हुई मुझसे, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, टू प्लस टू इज़ फोर एंड दिस इज 16, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ होल स्क्वायर है तो फोर का स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ फोर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 16, ये नंबर है आपका 16, सबको स्क्वायर कर देना, फोर का स्क्वायर 16 माइनस टू क्या हो जाएगा आपका 14, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 14। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली नेक्स्ट में आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर क्या चीज़ आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, तो माइनस हमको लेके आना है, तो माइनस वाली टर्म कहाँ आती है, जहाँ पर दो अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर और बीच में माइनस, दो अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर और बीच में माइनस, तो ऐसा फॉर्मूला पड़ा है विच इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस क्वेश्चन में आपका ए कौन और बी कौन, ए इज एक्स और बी आपका है वन अपॉन एक्स, तो इसके लिए आपको पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फाइंड करना है, फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड करना है, देन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल्स करा दिए वो सारे आपको ट्राई करने हैं, जो नहीं होता है मुझसे पूछूंगी लेकिन एटलीस्ट एक बार ही अटैम्प्ट ज़रूर करना है। आपका जो होमवर्क वाला सेकेंड क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स वन अपन एक्स स्क्वायर, सर क्लू मैं दे चुकी हूँ, आपको ये ट्राई करना है, और 1.6 के भी जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतना आपको ट्राई करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 16 कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल के बारे में देख रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टाइम टाइम पर जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर करके कुछ अलग उनकी डिस्कवरीज निकाली या स्टडी किया, उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग मॉडल प्रपोज्ड किए, जिसमें से सबसे पहले सैंडविच मॉडल देखा था। नेक्स्ट हम देख रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता भी दिया था इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं, और डिटेल में देख लेते हैं एक बार और वापस इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से नोट्स बनाना है। आपको पॉइंट वाइज इसका नोट्स जो बनाओगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी हेडिंग डाल देना, देन हेडिंग डालने के बाद आप ये पूरा चीज़ लिखोगे, और पूरा चीज़ ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट वाइज बना के एक एक लाइन अलग से निकाल के पॉइंट लिखोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे वापस रिवाइज कर रही हूँ मैं, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहीं ना कहीं टेस्ट एग्जाम में आएगा, आगे की हायर क्लासेस में भी इस चीज़ को बहुत डीप में दिया जाता है, तो ये बेसिक है तो आपको समझना ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो दो साइंटिस्ट के नेम याद रखना आप, सिंगर और निकोलसन, इन्होंने प्रपोज किया उसको, उन्होंने दो चीज़ बताई उनमें कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स कॉल्ड लिपिड बाई लेयर, मतलब ये कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो लिपिड की लेयर होती है जिसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर।
देन ये चीज़ें कि इसमें प्रोटीन्स अरेंज होता है, वो प्रोटीन कुछ प्रोटीन सरफेस पर होता है, आउटर सरफेस पर होता है, तो कुछ प्रोटीन इंट्रिंसिक यानि अंदर सांचे में धंसा हुआ रहता है, धंसे हुए चीज़ रहते हैं। तो उस तरह से ये दो चीज़ बताई उन्होंने कि एक तो लिपिड की बाई लेयर होती है, दो लिपिड की लेयर बनी होती है इसलिए बाई लेयर। फिर दूसरी बात ये कि उसमें प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, कुछ प्रोटीन जो आउटर सरफेस पर होते हैं और कुछ प्रोटीन उसके अंदर सांचे में मोज़ेक फॉर्म में धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, उसको समझाने के लिए इसने फिर वापस इसने बताया कि प्रोटीन दो तरह के होते हैं, जो आउटर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, आउटर यानी बाहर, तो बाहर को हम किससे शो करेंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन जो बाहर से है सरफेस पर है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पे लिखा है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक मतलब वो जो मोज़ेक सांचे में प्रोटीन धंसे हुए, ये जैसे आपको दिख रहा है ये अंदर से धंसा हुआ है ना, लिपिड के दोनों लेयर के बीच में ये धंसा हुआ है, और ये जो है वो आउटर सरफेस पर है। तो ये वाले प्रोटीन जो हो गए आउटर वाले वो हो जाएंगे एक्सट्रिंसिक, और ये जो अंदर वाले हैं वो उनको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको कि इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। तो आपको ये पॉइंट वाइज लिखना है, सबसे पहले कि ये लिपिड की बाई लेयर होती है, फिर सेकेंड चीज़ कि इसमें दो टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड अनदर इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। देन नेक्स्ट आप लिखोगे कि ये मोज़ेक फॉर्म में धंसे हुए रहते हैं, मोज़ेक यानी कहीं कहीं पर दूर दूर होते हैं। फिर ये है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाई लेयर कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली, मतलब ये कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो लिपिड की लेयर के बीच में धंसे हुए हैं वो इनकम्प्लीटली और कम्प्लीटली, कुछ पूरी तरह से अंदर धंसे हुए हैं कहाँ पर, लिपिड की लेयर के अंदर, और कुछ जो हैं वो लिपिड की लेयर के बाहर सरफेस पर खाली लगे हुए हैं। तो वो दो तरह की बात हो जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने किसी चीज़ को कंपेयर किया, हम करते हैं ना किसी भी चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम अगर कंपेयर कर लेते हैं कि इसको इस तरह से मान लेते हैं, तो किसी तरह से उसको मान लेना वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर देखना आप सीधा, द प्रोटीन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, स्टार बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखो, अलग कलर्ड पेन से लिखो, और इसको लर्न भी करना है। ये कहना चाहता है कि इस मॉडल में इन साइंटिस्ट ने, निकोलसन और सिंगर, इन दोनों साइंटिस्ट ने कंपेयर किया कि जो प्रोटीन है वो आपका आइसबर्ग है, और जो लिपिड की बाई लेयर है वो सी है, सी यानी समुद्र, मतलब लिपिड के समुद्र में या लिपिड के सी में, पूरा लिपिड का सी है, उस सी में भरे हुए है आइसबर्ग्स प्रोटीन के, यानी लिपिड रूपी समुद्र में आइसबर्ग्स क्या है, प्रोटीन रूपी आइसबर्ग्स है। मतलब जैसे एक ओशियन ले लो या एक सी ले लो, तो सी वाटर में क्या होता है कभी कभी वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वहाँ आइस के बर्ग्स बन जाते हैं, आइस के बर्ग्स बनने लगते हैं। कुछ आइसबर्ग्स सरफेस पर ही होते हैं सी वाटर के, और कुछ आइसबर्ग्स सी वाटर की सरफेस पर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, इंट्रिंसिक, जो अंदर होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन और जो बाहर होंगे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी लिपिड रूपी समुद्र में, यानी लिपिड का पूरा भरा हुआ समुद्र है। आप ये मान के चलो दिमाग में कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, जिसमें आपको समझना कैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या हुआ है कि लिपिड का पूरा भरा हुआ समुद्र है, यानी लिपिड लाइक अ सी वाटर एंड प्रोटीन लाइक अ आइसबर्ग्स। ठीक है, प्रोटीन को आइसबर्ग मान लेते हैं और लिपिड को हम या सी को हम मान लेते हैं कि वो लिपिड से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उन्होंने जो इन दो साइंटिस्ट ने जो बताया, प्रपोज किया, उनके अनुसार ये था कि लिपिड पूरा भरा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड में ज़्यादा पोर्शन होता है उसका लिपिड का, और उसके अंदर कुछ प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में धंसे होते हैं जिनको हम आइसबर्ग्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरे पॉइंट में एज अ पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं। मैं चेक करूंगी, आपकी नोटबुक स्कूल में आएगी एक दिन, तो मैं सारे नोट्स जो है वो आपके चेक हो जाएंगे कि कौन सा किस तरह से, कौन बच्चा किस तरह से नोट्स बना रहे। ठीक है, तो ये आपका अपना दिमाग है कि आप कैसे नोट्स बनाते हो, उससे हमें भी पता चल जाएगा कि कितने लेवल का आपका अंदर ब्रेन काम कर रहा है ना। द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इनेबल इट अंडरगो डायनेमिक चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सारा लिक्विड जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड यानी सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, अर्ध तरल अवस्था में आधा लिक्विड होता है। ठीक है, तो आधा लिक्विड होता है जिसके कारण इसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस होते हैं। डायनेमिक का मतलब मीनिंग होता है फोर्सफुली, बहुत फटाफट चेंज होते हैं फोर्सफुली। ठीक है,
इट कैन बी कंटिन्यूली रिन्यूड, रिमूव्ड, एक्सटेंडेड, फोल्डेड एंड मूव्ड, क्योंकि इनके अंदर डायनेमिक चेंजेस होता है। डायनेमिक चेंजेस क्यों होता है? तो सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से होता है, और डायनेमिक चेंजेस की वजह से इनकी बॉडी में बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता रहता है, इनकी सेल जो होती है वो कंटिन्यू रिन्यूड होती है, रिमूव्ड होती है, एक्सटेंडेड होती है, फोल्डेड होती है और मूव्ड होती जाती है। एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस चेंज अकर इन फॉर्म, साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। इस तरह से उनके बार बार फंक्शन, साइज, शेप, फॉर्म सब कुछ बदलता रहता है। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दिस यूनिक फीचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस द सेल वुड डाई। मतलब ये कि इनका अगर जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अंदर से अगर डैमेज होता है तो इसका जो लिविंग पोजीशन है जो सेल की, वो हमेशा क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी और वो सेल लिविंग स्टेट में नहीं रह पाएगी। दिस ये हो गया। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस द सेल वुड डाई। अगर उनका फिजिकल या केमिकली उनका कुछ डिस्टर्ब होता है ऑर्गेनाइजेशन, या उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर गड़बड़ा जाता है, तो सेल क्या हो जाएगी? ऐसी कंडीशन में डाई हो जाएगी। The plasma membrane help in maintaining a fixed internal environment of the cell. आप दिमाग लगाओ कि एक plasma membrane जो होती है वो क्या करती है? Internal environment को बनाए रखती है। किसके अंदर internal environment? Cell के अंदर। Cell है, cell के चारों तरफ किसका? Plasma membrane का cover बना हुआ है। तो plasma membrane cell को क्या कर रही है? Cover कर रही है। तो कवर करने के साथ साथ सेल के अंदर जो चीज़ भरी हुई है सारा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ईआर, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ चीज़ें इसको अंदर क्या कर रही है? वो प्रोटेक्ट कर रही है। इसने यहाँ पे लिखा है कि फिक्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है आगे, और ये सारे जो पढ़ेंगे ना हम, ये वर्क ही है, ये फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या ज़रूरी, ज़रूरी क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो इसके फंक्शन आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन की तरह ही ये लाइन आ रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है, तो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को वो मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट, द वेरियस सेल ऑर्गेनिल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेसिफिक कंडीशन नीडेड फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट। वही चीज़ें अंदर के एनवायरनमेंट को वो मेंटेन करती है, जिसकी वजह से वो सेल हमेशा लिविंग स्टेट में रहती है। अगर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सबसे बेसिक बात कर देते हैं, अगर सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गई है बाहर से, यानी उसका आउटर कवर ही नहीं है, तो सबसे पहले तो सेल का साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है वो ही बाहर निकल जाएगा, तो वो सेल लिविंग स्टेट में नहीं रहेगी, सेल वुड बी डाई, ऐसी सेल डाई हो जाएगी। उसके बाद है, इफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड, अगर सेल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है, सेल वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स लिविंग स्टेट। तो ऐसी सेल क्या हो जाएगी? लिविंग स्टेट में नहीं रहेगी। आपको इस पैरा में किसे क्या नोट करना है? तो फर्स्ट लाइन तो ये कि इसका सेमी फ्लूइड नेचर होता है, सेकेंड चीज ये कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, और फिर ये डायग्राम बनाना है। उससे पहले आपको ये पॉइंट्स तो अच्छे से लिखने ही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो प्रपोज किया था उन्होंने थ्योरी, वो इसी के बेस पर है। तो आप ये और ये डायग्राम नोट्स में कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हेडिंग डालना, ये इसका पिक्चर है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है या वर्क क्या होता है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द रेगुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के बाहर क्या हो रहा है, किस सब्सटेंस को अंदर लेना है, किस सब्सटेंस को बाहर निकालना है, ये चीज़ आती है कि इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तभी जाके सेल के अंदर वाला मटेरियल बाहर निकलेगा, बाहर वाला अंदर, वो भी सेलेक्टिव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कैसा होता है? सेलेक्टिव, यानी चुनिंदा चीज़ों को वो अपने अंदर आने देती है और चुनिंदा चीज़ों को ही अपने से बाहर निकलने देती है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। जैसे फर्स्ट है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, इसके टोटल यहाँ तक 9 फंक्शन है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके 9 फंक्शन कंटिन्यू करूँगी। आप इसको रीड करके आना, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है। उसके बाद इसके परमीएबिलिटी देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सारे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, इंडिया साइज एंड लोकेशन।
इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, कौन से हेमिस्फीयर में है, कौन से लेटिट्यूड के अंदर आता है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम जो मैंने ग्लोसरी वर्ड्स पढ़ाए थे तो ये आपको बताया था, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है। जैसे राजस्थान का पढ़ते अभी तो हम किसके अंदर पढ़ते, इंडिया के अंदर राजस्थान की पोजीशन पढ़ते कि इंडिया के अंदर राजस्थान की पोजीशन कहाँ पर है। अभी हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पोजीशन को जानेंगे। इंडियाज ऑक्यूपाइज द ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, क्या दे रखा है, इंडियाज ऑक्यूपाइज द ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, इंडिया का जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो कहाँ पर है, साउथ एशिया के अंदर। ये जो पैराग्राफ दे रखा है लाइन टू लाइन दे रखा है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है कि कहाँ पर क्या स्थिति, यही बता रखा है सिंपली। अगर आप लोग भी इसको रीड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी यही करूँगी कि इसके अंदर रीड करूँगी क्योंकि इसमें क्लियरली बता रखा है कहाँ पर इंडियन ओशन है, कहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, कौन किसके साउथ में, कौन किसके ईस्ट में, वेस्ट में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दे रखी है। और बहुत जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में, ये सारी चीज़ें तो आपकी उस समय भी क्लियर थी। तो अभी तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, मेन जो बेस दे रखा है उसको देखना है। द टेरेटरी ऑफ इंडिया लाइज सेंट्रली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, क्या दे रखा है, द टेरेटरी ऑफ इंडिया लाइज किसके बिटवीन में, ईस्ट और वेस्ट एशिया, इंडिया फॉर्म द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया फॉर्म द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये तो आपको क्लियर है कि भारत कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। द ट्रांस इंडियन ओशन सी रूट्स दैट कनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट टू द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, क्या दे रखा है, द ट्रांस इंडियन ओशन सी रूट्स, जो समुद्री मार्ग है दैट कनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज, जो किससे कनेक्ट होता है, यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया लैंड स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन टू द इंडिया। स्ट्रेटजिकली का मतलब होता है रणनीतिक रूप से, यानी कि जो पहले से फिक्स कर रखा है रणनीति के अनुसार, जो योजना बना रखी है उसके अनुसार इम्पोर्टेंट लोकेशन ऑफ इंडिया। द डेक्कन पेनिसुला एक्सटेंड इन टू द इंडियन ओशन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज ट्रेड कॉन्टेक्ट, क्लोज ट्रेड कॉन्टेक्ट का मतलब व्यापार का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए। अब हम किससे कनेक्ट नहीं होंगे, अगर हम अदर कंट्रीज से कनेक्टेड नहीं होते तो हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका जो आयात और निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, सी रूट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही बता रखा है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जो कनेक्टेड है वो किस रूट से कनेक्टेड है, सी रूट से कनेक्टेड है। एस्टेब्लिश क्लोज ट्रेड कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ ईस्ट एंड साउथर्न ईस्ट एशिया फ्रॉम इन द ईस्टर्न कोस्ट। Among all the countries in the region, India has the longest coastline on the Indian Ocean as compared to the other countries. देखो क्या दे रखा है, ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, इस क्षेत्र की जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या है, इन सबसे लंबा है, ऑन द इंडियन ओशन एज अ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। दिस एमिनेंट पोजिशन इज द रीजन, इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, एमिनेंट पोजिशन इन द रीजन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन, क्या दे रखा है, आप लोगों ने जब अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था कि अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा है, तो यहाँ पर भी यही दे रखा है, जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर द नेम ऑफ द कंट्री, जब अपने देश का नाम भारत पड़ा उसके बाद इंडियन ओशन के बारे में और क्या किया गया था, इसको एक्सप्लेन किया गया था, एंड इट्स एमिनेंट पोजिशन इज द हेड ऑफ द इंडियन ओशन एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट, के इस नाम के बेस पर अपने देश का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ था, ये इस बेस पर क्लियर किया गया, इंडियन ओशन के नेम पर क्लियर किया गया। अब देखो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दे रखा है, जो आपको लास्ट कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि आपको फिगर 1.2 देखना है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, मेन पॉइंट दे रखी है, ऊपर आता है नॉर्थ साउथ। अब इसके अंदर आपको एक जो मैंने बताया था 23.5 या बोल सकते हो आप 23° 30' नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गुजरी यहाँ से, ये कहाँ से जा रही है, यहाँ सेंटर से जा रही है, और ये जो लाइन गुजर रही है इसको आप ग्रीनविच मीन टाइम के SB बोल सकते हो, जो ग्रीनविच रेखा जो है
और इसको हम जो मानते हैं वो इक्वेटर के पैरेलल मानते हैं। मैं आपको ग्लोब में उसकी पोजीशन बताऊंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम किसके पैरेलल मानेंगे? इक्वेटर के पैरेलल मानेंगे। अब यहाँ पर आपको जो दे रखी है कुछ अपने नेबरिंग कंट्रीज भी दे रखी है, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेबरिंग कंट्रीज का ही पढ़ेंगे अपन। क्या दे रखा है? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये, और लास्ट में आपका आता है श्रीलंका। तो ये अपने पड़ोसी देश है यहाँ पे। और इधर आप लोग को पता ही है, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है और ईस्ट पे बे ऑफ बंगाल है। इंडियन ओशन आपका यहाँ पर आता है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये म्यांमार, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर ये पूरा जो दे रखा है सेवन सिस्टर्स का पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऊपर आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पार्ट आता है। उसके बाद जो सारी जो देश हैं के सारे जो स्टेट है उसके बारे में मैंने आपको फिल करवाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको आज का वर्क देती हुई है कि आपको इंडिया का मैप लेना है। कौन सा मैप लेना है? पॉलिटिकल वाला मैप लेना है। और आप उसको सारा ये तो आपको फिल करना ही है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ और ये जो दे रखी है ये तो आपको फिल करना ही है, इंडिया के सारे स्टेट भी आपको उसमें फिल करने हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ और मैं मानती हूँ कि आपको अभी तक वो चीज़ लर्न भी होगी। आप उसको फिल करोगे, उस आप को आपको इधर उधर फेंकना नहीं है। जहाँ पर भी आप इस लेसन का वर्क करोगे उस मैप को आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। उसी मैप के अंदर आप नेबरिंग कंट्रीज़, पूरे स्टेट सारे क्लियर कर देना, तो आपको एक ही मैप फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम उसको दूसरे मैप के अंदर शो करेंगे। तो आपका आज का वर्क क्या हो गया? आपको इंडिया का पॉलिटिकल वाला मैप लेना है, उसके अंदर स्टेट, सारी नेबरिंग कंट्रीज जो इसमें दे रखा वो तो आपको फिल करना ही। अगर आपको ये लर्न नहीं हो तो आप इसको देख के फिल कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट के नेम इसमें शो नहीं कर रखे तो वो आपको बिना देख के फिल करने पड़ेंगे। और अच्छे से क्लियरली पेन पेंसिल का यूज़ करके आप उसको फिल करना, ताकि वो अच्छा शो होगा आपकी कि आपने क्या फिल कर रखा और क्या नहीं फिल कर रखा। इसी लेसन के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे अपन नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।